बुकिंग डेट देखी था अपने गाड़ी की 11 को। ऑलराइट, तो हाँ गाड़ी लगभग रेडी हो चुकी है, तो पर कंप्लीट हो चुके हैं पेमेंट वेमेंट के, और ये रही अपनी फाइनली। ओके 1 2 3 Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the roads right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember. व्हाट इज अप माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू फ्रेश से व्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। लाल, आज का दिन ये है कि हम लोग जाएंगे रॉयल इनफील्ड, और रॉयल इनफील्ड में जाने के बाद आपको मालूम चलेगा कि हम लोग क्या ले रहे हैं, तो सरप्राइज खेलते हैं थोड़ा सा, और वीडियो को पूरा देखिए कि हम लोग क्या ले रहे हैं। लाल परचेज करने के लिए जा रहे हैं कुछ, और देखते हैं क्या मिलने वाला है सरप्राइज छोटा सा। स्टार्ट हो गया है गाइस, मिडिल क्लास गाइस। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हरदोई शहर के अंदर। ब्लर नहीं है भाई, बाबूजी ऐसा ही है कैमरा, आईफोन का महंगा वाला कैमरा है। लखनऊ चुंगी, ये देखिए सुजुकी उजुकी के शोरूम है यहाँ पे, हीरो के शोरूम है आगे, कई सारे शोरूम इसी रोड पे, सब लखनऊ रोड पे ही पड़ते हैं मोस्टली। भाई साहब तो हाय हाय, कुछ है अंदर, तो अपनी जो ब्यूटी है वो अंदर होगी, पता नहीं कैसी समर के बैठी होगी भाई। तो रॉयल एनफील्ड हम लोग आ चुके हैं, और हरदोई में है नैमिस भाई हमारे साथ हैं। रोकड़ा भाई हमारे पास है, देख रहे हो पैसा इनके पास है। क्या बता रहे हो आप, बताओ कैमरे के सामने, देखो शर्म आ गया। 650 क्लासिक खड़ी है। हाँ बैग नहीं तो महंगा बहुत है यार, रुको हम कॉस्ट दिखा रहे हैं, बहुत महंगा है, देखो आओ दिखाएं तुमको, वाटर प्रूफ है कि नहीं है ये भी नहीं पता है, और ये है 3000 रुपये का बैग, ठीक है 3000 से अच्छा है कि एक लेवल 2 की जैकेट ले लो, ये V2 की जैकेट है, और ये इसका प्राइस है 5000 रुपये, ये देखिए ठीक है, उससे अच्छा तो ये ले लो। इनकी जीन्स भी नहीं, खुद ही के ब्रांड की है, बेल्ट भी है, और ये ऊपर हेलमेट, फुल पैकेज मिलेगा आपको 10000 रुपये में ये सब। ये देखिए यहाँ पर टैगिंग भी इन्होंने करके रखी है रॉयल इनफील्ड जीन्स की, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड, हमको पसंद ही नहीं करते। मेट्योर 350, ये बैठो आओ बैठो बैठो, बुलेट राजा। 14 आज कितनी डेट है, बुकिंग डेट देखी था अपने कराई थी 11/1/2000 को, आज फिर 14 को ये, और आज ये कितनी, आज कितनी है 16। हमारे साथ चीफ गेस्ट जुड़ चुके हैं यहाँ पे, अनुज, अनुज जी हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के। ऑलराइट, तो पेपर वेपर सब कंप्लीट हो चुके हैं, ये सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं पेमेंट वेमेंट के, और ये रही अपनी फाइनली बाइक, तो रिवील होने जा रही है कुछ देर में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिवील होने में। ये देखो आया है दो लेके। क्या लाए हैं, क्या लेके आए, फिलहाल एसेसरीज़ के बारे में देखे तो यहाँ ग्लव्स व्लव्स लगे हैं रॉयल एनफील्ड, काफ़ी एसेसरीज़ के मामले में काफ़ी हद तक लेदर वेदर का काम काफ़ी करती है, वॉलेट वॉलेट भी यहाँ पर लगी हुई हैं, और इस साइड तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, उस साइड भी एसेसरीज़ मतलब यहाँ के हिसाब से काफ़ी हैं। डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं, और ये सुपर एक्साइटेड चला गया ले जाने वाले हैं गाड़ी, फर्स्ट राइड अपन करेगा, हम निकाल देंगे बाहर तक, उसके बाद चलाना पहले भाई साहब, अभी निकालेंगे पर्दा हटाएंगे। ऑलराइट, तो हाँ गाड़ी लगभग रेडी हो चुकी है, तो पर्दा हटने को बाकी है, फिलहाल इसका पर्दा हटाने जा रहे हैं, ब्लॉग को करिए एंजॉय, पर हमारे साथ हैं सारे इतने सारे दोस्त भाई साहब, आज लंका लगाने जा रहे हैं फिलहाल इसको, ये लो रेडी। ओके 1 2 3
फ्लाइट इतना एक्सप्रेस पर पड़ चुका है तो गाड़ी की हो गई कंडीशन ख़राब, तो अभी क्लीनिंग फिर से होगी, अभी हुई थी एंड उसके बाद फिर क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी इसकी। तो रोड पे ले चलते हैं और दौड़ाते हैं येलो कलर, और इनके नेविस भाई के पास भी येलो कलर की डोमिनार है, आपने नहीं देखी तो उनके चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और फिलहाल ये अपनी कंपनी ज्वाइन कर चुकी है और देखते हैं कब तक हमारे साथ हैं। फिलहाल इस पर ग्राफिक, एग्जॉस्ट और ढेर सारे काम बैक टू बैक कराने हैं, तो फिलहाल के लिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं एंड बाइक को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे नेमिस भाई गाड़ी लेके चलेंगे, अपनी स्कॉर्पियो ब्लैक पैंथर हम चलाने वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बेसिकली होने वाली है, तो अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम से हम लोग निकले एंड निकलने के बाद एक शॉर्ट क्लिप और देते हैं एंड अंदर चल के बात करते हैं। तो अभी सीन ये है कि नेमिस भाई ये आए हैं और ये चलाएँगे अपनी इनफील्ड और हम लोग चलाने वाले हैं अपनी स्कॉर्पियो। बढ़िया ऑलराइट, ये कह रहे हैं पिकअप बहुत अच्छा है भाई साहब, कह रहे हैं फ्यूल अभी फिलहाल पड़ रहा है। ये है ब्लैक पैंथर पेट्रोल पम्प पे और ले लाइट भी चली गई, पेट्रोल फंस गया गाइस, गाइस पेट्रोल 121 पे पेट्रोल फंस गया गाइस। हमने गाड़ी भाई 25-30 किलोमीटर चलाई है, मजा आ गया। वाले पीछे रह जा रहे हैं, अरे स्कॉर्पियो वाले बहुत धीमे चलते हैं, हम बहुत यू नो आई एम ए मिडिल क्लास बॉय और मेरे पास कोई वर्ड नहीं है भाई साहब, बस रोना बाकी है, लंडे का आंसू निकलने बाकी है, खाली आंसू निकलने बाकी है, अभी आंसू निकल ही आते हैं।